ठीक है ठीक। अम्मी अम्मी, फजीला नाजे भाभी के बारे में क्या कह रही है? कोई उनका रिश्तेदार है? कोई कौन है? माशाल्लाह, क्या रूप आया मेरी बेटी पर। अल्लाह नसीब अच्छे करे। मेरे दिल में जितने डर जितने वसवसे थे सब खत्म हो गए। अपनी जान का टुकड़ा परायों को सौंपते हुए कलेजा कांपता है, लेकिन अब मुझे कोई फिक्र नहीं। उमर, तुझे कोई तकलीफ नहीं होने देगा। उमर, अल्लाह उसे जिंदगी दे। ना नेक बच्चा है, सबका ख्याल रखने वाला, सबसे मोहब्बत करने वाला। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा हीरे जैसा दामाद मिले, और फिर सबसे बढ़कर बाप जैसा ताया। ससुराल थोड़े ही जा रही है तू, बस एक घर छोड़ के दूसरे घर जा रही है। वहाँ नाजिया होगी तेरे लाड उठाने के लिए, तेरी सहेलियों जैसी जेठानी, और रजिया का मिजाज, लेकिन दिल बहुत अच्छा। फिर तुझसे तो बहुत मोहब्बत करती है वो, सबसे बढ़कर उमर। अम्मी जी, मेरी जान। अम्मी अम्मी, ताया जान निका खान के साथ अंदर आना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, बिस्मिल्लाह, सौ बिस्मिल्लाह, बुलाओ उन्हें। हाँ रजिया, जकिया से कह है कि बच्ची को रुखसत करने की तैयारी करे। आए है अम्मा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे निकाह तो आनन फानन हो गया, लेकिन माही को ले जाकर ठहराएंगे कहाँ? उमर के कमरे का हाल देखा है आपने? तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है? दो रातें मेरे कमरे में रह लेगी। अजीब बातें कर रही हैं आप। अब दुल्हन को क्या तेरे मेरे कमरे में ठहराऊंगी? दुल्हन कैसी दुल्हन, बेटी है तुम्हारी। तुम भी किन तकल्लुफात में पड़ गई हो, अपने ही घर जा रही है वो। तकल्लुफात नहीं है ज़किया, आप इंतजाम हैं। और ये नाजिया कह रही थी कि रुखसती से पहले ये मंसूर को लेके घर चली जाएगी, तो हमारे जाने से पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो शुक्र है किसी ने तो समझदारी की बात की। ये कर ही ना ले, इसके अपने कमरे का हशर देखा अपने? अम्मी मैं कर लेगी, ऐसी भी क्या बात है। क्या हुआ उमर, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस ऐसे दम घुट रहा है यहाँ। मैं छत पर ताजा हवा लेकर आता हूँ। हाँ जा जा। आए, देखा लग गई ना नजर मेरे बच्चे को। भाई साहब, मैंने उन लोगों को कॉल कर दी थी आपके कहने पर, सब कह दिया मैंने साफ साफ, दिल मिला के रह गए। मैंने कहा मुझे जहेज वापस चाहिए, वैसे का वैसा। उनस को भेजा है मैंने, अब अल्लाह करे जूं का तू भेज दें वो कमीने। यार ज़किया, ये तो उनकी नेक नियति पर ही मुनसर है, लेकिन कोई भी कमी बेशी होना तो बदमजगी मत करना। शुक्र करो अल्लाह ने बच्ची की जान बचा ली, अब बस बच्ची के सर का सदका समझ के ना माफ कर देना उन कमजोरों को। ठीक कह रहे हैं फरीद, बिल्कुल। नाजिया, अच्छा हुआ रोशनी तुम यहाँ नहीं थी। कितना मुश्किल होता तुम्हारे लिए ये सब कुछ सहना, और कितना मुश्किल होता मेरे लिए तुम्हारा सामना करना। तुम सच कहती थी मैं कुछ करने के काबिल ही नहीं हूं, कुछ नहीं कर सकता मैं। उमर, यहाँ क्या कर रहे हो? सब नीचे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा।
रुखसती का टाइम आ गया है यार। पता है मेरा कहना बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी भाई हूं ना। देख यार माही, कोई भी उल्टी सीधी बात या गलती करे तो दरगुजर कर देना उसे यार, ठीक है? थैंक यू, चलें। चल मेरी जान, अब ये तेरा मैका हो गया, आइंदा यहाँ मेहमान बनकर आया कर, अब तेरा घर जाने का वक्त हो गया। अमीर, आपसे बात करनी है। अरे वो लोग बाहर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुझे अपना। कल शाम उमर के साथ आना, फिर दिल भर के बातें करेंगे। अमीर जरूरी बात है। हाँ कहो। अमी वो उमर। अब उमर की बात मुझसे क्या करनी, जो कहना सुनना है ना अब उमर से ही करना। अमी वो तो रोशनी। तो बताओ भला, अब यहाँ रोशनी का क्या जिक्र? मैं तो डर गई थी कि पता नहीं क्या बात है और यहाँ ये रोशनी को याद कर करके रो रही है। दफा करो उसे, वो तो तुम्हारी शादी के लिए रुकी भी नहीं, तुम खामखा उसके लिए आंसू बहा रही हो। देख बात सुन माही, ये मैके की यादें और मैके की दोस्तियां ये यहीं छोड़कर जाना। तब रसिया लाख दिल की अच्छी सही, लेकिन उसका मिजाज वो पल में तोला पल में माशा हो जाती है। एक मिनट नहीं लगेगा उसे ताई से सास बनने में। बस भूल जा अपना सहलापा, मैं पहले ही उनके बहुत जेरे बार हूँ बेटा। अब देखो वहां से मुझे तेरी कोई शिकायत ना है। हाँ फजीला, रुखसती वाला दुपट्टा लेकर आओ। रोशनी बस कर दे, कितना रोएगी? देख मैं पहले इतनी परेशान थी कि तू इस तरह से अकेले सफर कर रही है। अच्छा मुझे बता, तू एकदम से वहां से कैसे निकल आई? अभी बता तो रही हूं, आपकी इस घर की सबकी याद आ रही थी, एकदम से याद आ गई।
सच सच बताओ, किसी ने कुछ कहा है? मुझे कोई कुछ क्या कहेगा, बता तो रही हूँ वहां मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। ठीक है मत बता, मैं खुद पूछ लूंगी शाइस्ता से। बल्कि शाइस्ता का फोन आया था कल, कह रही थी मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। तो मैं तो माहिन की मेहंदी में थी, अब भला वहां से मैं रिश्ते की बात कैसे करती? अम्मा उनको फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर वो भी आपको फोन करें तो बात मत कीजिएगा। भला क्यों? बस कह दिया है ना मैंने, आप भी चुपचाप रहेंगी तो वो समझ जाएंगी कि हमारी तरफ से भी इनकार है। इनकार? हाय अल्लाह, लेकिन लेकिन तू तो उतावली हो रही थी उसके लिए। दिमाग खराब था मेरा, वहां जाके कुछ दिन रह के मुझे अंदाजा हो गया अम्मा कि वो लोग तो हमसे बहुत अलग है, वो लोग तो बहुत बहुत अमीर है, हमारा कोई जोड़ नहीं है उनसे। यही समझा रही थी तुझे मैं, यही बातें तुझे समझाने की कोशिश कर रही थी जो जो तू समझ ही नहीं पा रही थी। वो लड़का लाख अच्छा है लेकिन तुझसे बहुत पढ़ा लिखा है, विलायत रहकर आया है। तुझे पता है थोड़े दिन के बाद उसे तुझ में हजार खामियां नजर आती, और वो जो शाइस्ता है वो तो पैसों के बाद ऐसी बदली है बिल्कुल मेम साहब हो गई है। जो ना बदला वो सिर्फ तेरी माँ ही है, शादी की शादी ही रही मैं। हाँ ना अम्मा, तभी ये ख्याल मैंने अपने दिन से निकाल दिया है, और अब आप ही इसके बारे में नहीं सोचे। अच्छा चल अब सब कुछ भूल जा तू, आराम कर, मुझे पता है तू थकी हुई है, सुबह की निकली हुई है ना। मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ जो तुझे पसंद है। ठीक है। उमर यहीं होगा अभी, मनाना आसान होगा, वैसे भी भोला सा तो है, कह दूंगी सताने को झूठ मूठ कह रही थी, जला रही थी तुम्हें, वो फौरन मान लेगा। दायां पांव आगे रखना भाई। अरे अम्मा रहने देना ये रस्मों को, चले। बिस्मिल्ला, बिस्मिल्ला, बिस्मिल्ला। यूं है। उमर कहाँ रह गया? उमर बाहर की तरफ निकल गया, किसे मिलने गया होगा? दोस्तों यारों को बताने के लिए चला गया होगा। नाजिया। अम्मी वो दुल्हन का कमरा सेट कर रही है नाजिया। अच्छा अम्मा मैं चाह रही थी कि इसको ऊपर ले जाते ना, बेचारी थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लेगी, मोहल्ले वालों को पता चलेगा तो मुबारकबाद देने आएंगे। हाँ 100 दफा आए मुबारकबाद देने के लिए, लेकिन दुल्हन का चेहरा नहीं देखेंगे वली में से पहले। हाँ अम्मा मैं कैसे मना कर सकती हूँ, मुझे तो अपने बहन भाइयों की फिक्र हो रही है, बहुत नाराज होंगे मुझसे। नाराजगी की कौन सी बात है, बताया तो था मजबूरी है। क्यों नाराज क्यों ना हो, अरे मामू खाला है निकाह में शामिल नहीं हुए, लो बताओ भला। लो यहाँ खड़े होकर के गिले शिकवे करती रहेगी, बेटा अब इसको ले जाए अपने कमरे में, नादिया तो पता नहीं कहाँ चली गई। चल इतनी देर से खड़ा किया हुआ है बच्ची को, आराम से जा मेरा बच्चा, एहतियात से। हाँ आराम से आराम से, अल्लाह का शुक्र है।
अमर क्या कर रहे हैं आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? अबू ने कहा कि तुम्हें ढूंढ के लाऊं, दोस्तों से पता करके आया, लेकिन मुझे मालूम था कि तुम मुझे यहीं मिलोगे। फिर वापसी पर गुजरते हुए तुम्हारी बाइक यहाँ खड़ी देखी। चलो उठो यार, घर चलते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं जाना घर पर, आप जाएं बस। यार उमर मसला क्या है तुम्हारा? मसला ये अब पूछ रहे हैं आप मुझसे? मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया मुझसे बगैर पूछे, तब तो किसी ने नहीं पूछा कि क्या मसला है मुझे। किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं एक जीता जागता इंसान हूं, मेरी भी कोई मर्जी हो सकती है। यार इस तरह तो कोई लड़कियों के साथ नहीं करता आजकल। कुर्बानी के जानवर की तरह बांध दिया मुझे खूंटी से, जबरदस्ती जबरदस्ती। और अब सब ये चाहते हैं कि मैं झूठी एक्टिंग करूं खुश होने की, नाचू गाऊं कि आप लोगों ने बड़ा एहसान कर दिया मेरे ऊपर। कोई एक मिनट, मैं तो यही समझ रहा था कि तुम्हें खुशी में नाचना चाहिए। क्या तुम माहिन को पसंद नहीं करते? बात पसंद नापसंद की नहीं है, उस बेचारी में कौन सा ऐसा है कि मैं उसको नापसंद करूं? ये मसला तो है ही नहीं कि मुझे तो उस बेचारी से कोई गिला भी नहीं है। उसका क्या कसूर? जब मैं मना नहीं कर सका तो वो बेचारी कैसे मना करती? लेकिन क्या मैं आप लोगों से भी गिला ना करूं? एक मिनट उमर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो। यार तुम माहिन से शादी करना चाहते थे तुम उससे? हम सबको तो यही लगा था कि तुम्हारी अपनी ख्वाहिश है। यार क्या आप लोगों को लगा कि मेरी ख्वाहिश है? और नहीं तो क्या? अम्मा हाँ तैयार नहीं हुई? क्यों? लेकिन तू इतना तैयार हो के कहाँ जा रही है? अरे आज माहीन की शादी है, जाना नहीं है? शादी वो तो हो भी गई, जोहर के बाद वो रुखसत भी हो गई, बस तेरे आने से कुछ देर पहले है। शादी तो रात में थी ना, तो फिर दिन में कैसे? बस वो हालात ही कुछ ऐसे थे, मेहंदी की रात में ना लड़के वालों ने कुछ अजीब सी जिद लगा ली थी। अब मैं बाकी कहानी मजा की खाला से पूछ लूंगी, अभी मैं जा रही हूँ। सुन, मैं बता तो रही हूँ वो रुखसत हो गई। अरे ज़किया खाला तो होंगी ना वहाँ पे और मेहमान भी होंगे, मैं जा रही हूँ। जल्दी आना, समझती नहीं? ये समझे कि मंसूबे, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये गलतफहमी क्यों हुई, किस तरह हुई, मेरी कौन सी हरकत से हुई। चलो माना मुझे गलतफहमी हुई थी, मैंने जो अपना गलत अंदाजा अबू को बताया, उन्होंने मुतमईन होकर अपने इस फैसले पर अमल दरामद किया। शायद अम्मी ने तुम्हारी मर्जी का सोच समझकर जल्दी हथियार डाल दिया। लेकिन उमर जरा सोचो, मुझे ये गलतफहमी अगर ना होती, अब्बू को अगर मैं इत्मीनान ना दिलाता, तो तब भी वो ये फैसला ना करते? वो तब भी करते, लेकिन अभी जरा हल्के फुल्के दिल से और बगैर किसी जहनी दबाव के किए, लेकिन तब वो मजबूरी में करते, तुम्हारे सामने शर्मिंदा होके करते, लेकिन करते तो यही जो अभी हुआ। फर्ज करो अगर तुमसे पूछ लिया जाता तो तुम्हारे पास क्या जवाब होता? इनकार कर देते, लेकिन कब तक अपने इस इनकार पर कायम रहते? करना तो बहरहाल तुम्हें यही था।
अब जो होना था वो हो गया, क्यों हुआ और कैसे हुआ इस बहस में पड़ने का अब कोई फायदा नहीं, तो बेहतर यही होगा कि घर चलो। देर पहले ही आ जाती, पता है तुम्हें याद करते करते रुखसत हुई है माही, बैठो। मैंने तो सोचा था कि एन शादी के वक्त आके सरप्राइज दूंगी, लेकिन सरप्राइज तो मुझे ही मिल गया। शादी तो रात को थी ना, दिन में कैसे निपटा ली? बस वो तुम्हारी माँ ने नहीं बताया तुम्हें? बताया था, तभी तो पूछ रही हूँ प्रोग्राम चेंज क्यों किया। और घर में बहुत उदासी नहीं लग रही है? शादी वाला घर लग ही नहीं रहा। बस जिस घर से लड़की रुखसत हो ना, वो घर उदास ही होता है, और दिल भी। तो मेहमान सारे चले गए क्या? कब के? तुम कुछ खाओगी क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। तो माहीन की जो दादी है आपकी सास, उनको तो रुकना चाहिए था ना, शादी से इतने पहले दिन आ गई, तो शादी के बाद भी तो कुछ दिन रुकती। नहीं, लेकिन अब वो यहाँ रह के क्या करेंगी? सच पूछो तो शादी वाला घर तो वो ही हुआ ना। मैं तो अब बड़े इत्मीनान से अपने फर्ज से फारिग हो गई, भाग दौड़ में सारे इंतजामात तो उन्हीं को करने पड़े। इंतजामात किस चीज के? भाई साहब ने दो दिन का वक्फा तो लिया वलीमे में, लेकिन फिर भी यूं अचानक गड़बड़ तो है ना। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगेगा आप चाय बनाए। हाँ भाई, माही तो अब है नहीं घर में जो तुम्हारी खातिरदारी करे, लेकिन तुम दिल छोटा मत करो, वो आती जाती रहेगी। अपनों में शादी करने का यही फायदा होता है, और मेरा ख्याल है उमर ऐसा शौहर साबित नहीं होगा जो बीवी पर बहुत ज्यादा रोक टोक करे। तुम्हारी तो बड़ी बेतकल्लफी भी है ना उसके साथ। उमर तुम्हारे लिए कोई गैर थोड़े ही है, जब तुम्हारा दिल चाहे तो माही से मिलने चली जाया करना, उसकी ससुराल समझ के नहीं, उसके ताया का घर समझ के। सब थके हुए थे, लगता है जल्दी सो गए। तुम आओ ना उमर, आओ।
सिवाय माहीन के। नाजिया बता रही थी कि वो मुसलसल रो रही है। देखो उमर, जो बात ये लोग समझते हैं उन्हें उन्हें वही समझने दो। मैं सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इससे बात खुलने पर मैं झूठा पड़ूंगा। मैं सब इसलिए कह रहा हूं कि अबू का, चच्ची का इत्मीनान रुखसत हो जाएगा। एक एक एहसास से जुर्म घेर लेगा उन्हें। हाय, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। इन सब में माहीन का कोई कसूर नहीं। सो प्लीज उसे अजियत मत देना। किसी की जिंदगी में अनचाहे अंदाज में आ जाना लड़की के लिए बहुत तकलीफदेह होता है। तो किसी से कुछ भी कहने सुनने का फायदा नहीं है, कुछ हासिल नहीं होगा, ये बात जानता हूं। तुम और ना रो, ये तो हो नहीं सकता। क्यों रो रही हो? खुशी के आंसू कि तुम्हें कोई मोटा गंजा या बुढ़ा नहीं मिला, या उससे भी बुरा मिल गया कोई, इसलिए रो रही हो? तो मेरे दुख पे रो रही हो? तुम्हारा दुख? तुम तो सब कुछ जानती हो माही। एक तुम ही तो हो, सब समझती हो कि मुझे दुख ये नहीं है
मेरी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल कर लिया गया। कि मुझे तकलीफ इस बात की है कि किस तरह उसे उसे नोच कर मुझसे अलग कर दिया गया। तुम तो बहुत अच्छी हो माही, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी। कपड़े तो बदल लो, ये सब क्या है? प्लीज इसको उठाओ, किसने बिछाया ये? खौफ तो हो रही है मुझे। रोशनी दरवाजा खोल, अकेला छोड़ दे मुझे अम्मा। दरवाजा खोल रोशनी। पूरे कमरे का हशर बिगाड़ दिया है तूने। ये किस बात का गुस्सा निकाला है तूने? चल उठ, जो रात तू तूफान लेकर आई है ना कमरे में, उसे समेट। रोशनी, मैं कब तक समेटूंगी? देख, मेरी अपनी जिंदगी में भी बड़े बिखेरे। जो चीज जहां है उसको वैसे ही रहने दे, मैंने नहीं कहा समेटने के लिए। ये किस बात के अंगारे चबा रही है तू? हाँ, रात को तो बड़ा बनठन कर गई थी माही की शादी की मुबारकबाद देने के लिए, बस वहां से आई है और कमरा बंद किया और मुंह फुला लिया। अकेला छोड़ दे मुझे अम्मा। रोशनी, ये पल में तोला पल में माशा वाला मिजाज जिंदगी में काम नहीं आता है। तू माँ से जिद लगा के शाइस्ता के घर गई और वहां से भागी भागी चली आई। अम्मा बस, जाए मेरे कमरे से, अकेला छोड़ दे मुझे, जाए। रोशनी, ये तो पागलपन की निशानियां है, और पगली को कोई ब्याह की नहीं लेके जाता।
बिल्लियों को कोई ब्याह के थोड़ी लेके जाता है। मैं पागल ही तो हूं, सियानी तो वो निकली, एक पल भी नहीं छोड़ा मौके का फायदा उठाने में। और कुछ ऐसी मासूम अहमक सादा लड़की के लिए दुनिया है ही नहीं। दुनिया तो माहीन जैसी मौका परस लड़कियों की है। वाह,